अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर दिल्ली में सियासी संग्राम हाई है। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश करने का भी आरोप तक लगा और केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर हमलावर हैं। 23 दिन से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। उनकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है, वो बार बार कह रहे हैं। उनको इंसुलिन नहीं दी गई, कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, अब इंसुलिन दी गई है। कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में एक हफ्ते तक बहस होती है तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है? साफ बात है, जेल में सब लोग एक समान नहीं है। जो साधारण कैदी हैं उनको फिर भी ठीक से रखा जा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनका नुकसान करने की कोशिश की जा रही है।